इसमें, ये देखो ये तो टॉप वाला इज ट्रांसम, तो जब हम एक एक सिंगल इसकी बात करें तो जैसे इसमें ये लास्ट वाला दैट इज लेगेंड, ठीक है, जो नीचे प्लेस किया हुआ है, मतलब अगर इसमें ये तो जैसे ये तो तीन प्लेस कर रखे है ना, तो जो टॉप वाला इज ट्रांसम, अब इसकी अगर यहाँ पे नीचे इन्होंने बॉटम में नहीं शो किया, तो जो आखिरी में एक्चुअल में अगर सिंगल की बात करें तो जो नीचे वाला होता है दैट इज लेगेंड, ठीक है, इस केस में तो ये दो कंबाइन हो गए ना, मतलब ब्रेसिंग इधर हो गई, ठीक है, एंड इधर हो गई, तो इस केस में दिस इज द ट्रांसम एंड इसका ये जो नीचे वाला दैट इज द लेगेंड, जो आखिरी में एक्चुअल में अगर आखिरी सिंगल होता तो नीचे वाला लेगेंड होता। मैम मतलब कि जो ट्रांसम है वो एक ही होगा सिंगल, जो टॉप वाला है, बाकी सारे नीचे टॉप वाला, बेसिकली जो टॉप वाला जो बिल्कुल फ्लोरिंग के नीचे उसको सपोर्ट कर रहा है उसका नाम दिया गया दैट इज ट्रांसम, ठीक है, जो आखिरी में जो सारे जो पूछ रहे हैं वो लेगेंड है, हॉरिजॉन्टल दैट इज लेगेंड। हां जी फनीश बच्चे दोबारा बोलना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फ्लोरिंग के नीचे है वो ट्रेंसम है, बाकी सारे जितने उसके नीचे है वो सारे लेगेंड है, लेगेंड है जो बॉटम में जो रहेगा, एग्जैक्टली, ठीक है, एक मिनट क्लियर। चलिए जरा अब ये जो टेस्टल है, ये टेस्टल की स्टेबिलिटी सूटेबिलिटी कहाँ पे रहती है, कहाँ पे सूटेबल होते हैं टेस्टल? आर यूज्ड एज अ पायर ऑफ टिम्बर ब्रिजेस, मैंने अभी आपको बताया जो हमारे टिम्बर ब्रिजेस है उसके लिए एज अ पायर यूज होते हैं, ठीक है, जहां पे जो आपका बेड होता है, बेड ऑफ द स्ट्रीम इज सफिशियंटली हार्ड। अब ये चीज ध्यान रखना ये इतना स्टेबल नहीं होता है, तो जहां पे आपका जो रिवर बेड है, जहां पे इस तरह का ब्रिज जहां पे प्रोवाइड किया है, जहां पे जो आपका बेड है, जो अगर अगर रिवर के क्रॉस या फिर कोई स्ट्रीम है वहां पे प्रोवाइड कर, उसका जो बेड है वो थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक है, एंड द डेप्थ ऑफ वाटर एज वेल एज वेलोसिटी As its velocity or not more, जहाँ पे पानी की जो गहराई है वो ज्यादा नहीं है, पानी की वेलोसिटी जो है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब जहाँ पे कम मतलब जहाँ पे हमें कम इसकी स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी कम रहेगी जहाँ पे, वहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब जहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं चाहिए हमें। बेसिकली क्या है, जो आपका जो बेड है वो थोड़ा हार्ड है, मतलब वहां पे जो मिट्टी है वो भी थोड़ी हार्ड है, मतलब वो लोड प्रॉपर्ली बेयर कर पा रही है, वहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हो इस तरह के, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आता है, क्रिप पायर का एग्जांपल आता है कि मतलब अभी ये तो एक टाइप का पायर बताया ना हमने कि इस तरह के पायर वुडन ब्रिजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं, टिम्बर ब्रिजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्रिप पायर की बात करें तो जो क्रिप पायर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है, इस केसेस में क्रिप की बात करें, क्रिप में क्या होता है बच्चे, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्लीपर्स रख दिए जाते हैं, ये देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल स्लीपर्स होते हैं, ये इधर बीम होती है आपकी, और बीच में जैसे हम वुड सीजनिंग करते हैं ना, लकड़ सुखाने के लिए रखते हैं, उसी तरह से इसको प्लेस किया जाता है, जैसे सीजनिंग ऑफ वुड में इनको प्लेस करते हैं वैसी प्लेस किया, तो बस बात क्या है कि इसके बीच में यहाँ पे ये क्या है, ये देख रहे हो हैवी स्टोन्स दिखा रखे हैं, हैवी स्टोन्स बीच में रख दिए जाते हैं। अब ये प्रैक्टिकली कैसे दिखता है, लेट मी शो यू विद द इमेज। आपको ये साइड पे इमेज क्लियर दिख रही है, ये वाली yes, ma'am. ये देख रहे हो yes. ये आपकी क्या हो गई, आपकी फ्लोरिंग इधर हो गई, नीचे फ्लोरिंग को ये इधर जो टॉप फ्लोरिंग होगी, फ्लोरिंग को सपोर्ट करने के लिए इधर ये हॉरिजॉन्टल बीम हो गई, ठीक है, इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टली इन लोगों ने प्लेस कर रखी है यहाँ पे ये वुडन, ठीक है, और यहाँ पे बीच में वर्टिकल भी ऐसे रखी हुई होती है, ठीक है, मतलब इसको सपोर्ट, ये साइड से हमारी वर्टिकल। अब ये बीच में देख रहे हो ये बीच में क्या हैवी स्टोन्स है, ठीक है, हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। मैम पॉइंट का yes, वो बीम समझ नहीं आया मेरे को कि बीम क्या है इसमें, कहाँ पर है बच्चे, जो फ्लोरिंग के नीचे वाली जो वुड है ना, जो उसको फ्लोरिंग को सपोर्ट कर रही है, दैट इज द बीम है ना, हाँ दैट इज द बीम, ठीक है, हाँ, और ये जो बीच में इसके स्टोन्स रख रखे हैं वो कैसे हैवी स्टोन्स बीच में रखे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं इसको तुम्हें एक और इसका क्लियर वर्जन, ये तो बिल्कुल बना हुआ है, पूरा बना हुआ है जो आपका ब्रिज है ये वाला, ठीक है, ये तो पूरा रेडी हो चुका है, जब ये बन रहा होगा ना तो ये वाली इमेज आपको देखो क्लियर है, ये वाली इमेज दिख रही है, देख रहे हो इधर भी इस तरह से रखे हुए हैं, इधर ये इस तरह से रखे हुए हैं, देन अगेन ये ऐसे क्रॉस करके बीच में ये यहाँ पे बीच में क्या पुट कर रखे हैवी स्टोन है इसके, क्लियर है ये इमेज, क्रिप की इमेज क्लियर है, हाँ या ना कुछ बोला करो, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली बैठी हुई हूँ, आई ट्राई टू बी मोर इंटरएक्टिव।
कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, क्रिप्स आर मोस्टली यूज्ड एज पायर फॉर टिम्बर ब्रिजेस, अगेन पायर्स की जगह पे इसको आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, टू बी डिजाइन फॉर टेम्पररी डेविएशन ऑफ रेलवे ट्रैक, टेम्पररी जब आपको रेलवे ट्रैक कहीं से डेविएट करना होता है उसको, मतलब उसका डायरेक्शन हल्के टेम्पररी पर्पज के लिए, अगर आपको डेविएट करना होता है तो आप साइड पे इसको प्रोवाइड कर, इमेज दिख रही है अभी भी, अभी मैम अभी आई मैम जस्ट, ओके जब आपको कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन आपको जब आप टेम्पररी ब्रिज बना रहे हो लेकिन आप चाहते हो थोड़ा सा लोड बियरिंग उसकी अच्छी खासी हो, तो वहां पे आप लोग कौन सा प्रोवाइड करोगे, क्रिप्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मैम? हैवी लोड को मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोवाइड करेगा, देखो ऐसा है जो जो, हाँ बच्चा देखो अब पायर्स की भी टाइप थी ना, जो पहले वाले पायर की टाइप थी वो कहाँ पे यूटिलाइज करता है, जहाँ पे हैवी लोड नहीं था, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल लोडिंग थी वहां के लिए प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है। अब अगर आपको टेम्पररी ब्रिज भी बनाना है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि उसके टेम्पररी ब्रिज इस पर्पज के लिए बनाना है कि वो थोड़ा हैवी लोड बियर कर सके, तो वहां पे जो उसको सपोर्ट, उसका फ्लोर सपोर्ट करे, मतलब नीचे सपोर्ट बनाना चाहते हो, वो इस तरह का सपोर्ट बनाना चाहते हो कि वो थोड़ा हैवी लोड इन फ्यूचर बियर कर सके, ठीक है, उस केस में आप लोग क्रिप्स प्रोवाइड कर सकते हो, कि अगर आप चाहते हो कि आपको टेम्पररी ब्रिज भी बनाना है लेकिन वो थोड़ा उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी हो, कि वो लोड बियर कर सके, क्योंकि इसके बीच में आप हैवी स्टोन यूज कर रहे हो ना, तो स्टोन जो अच्छे से बियर कर पाएंगे लोड को, जो पहले वाला केस था जो हम लोगों ने किया था ट्रेस्टल पायर वाला केस, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ वुडन वाले रख रहे थे, ठीक है, वुडन आप लोगों ने लगाए थे एज अ पायर, अब वो इतने अच्छा लोड को बियर नहीं कर पाएंगे ना, ये यहाँ पे बीच में आप लोग स्टोन्स लगा दिए और वो अच्छे से लॉक कर रहे हैं बीच में, तो ये लोड नीचे जो आपका ग्राउंड सरफेस होगा उसमें लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट एक टाइप है पायर की, वुडन की अगर बात करें, क्रेट पायर बोलते हैं, ठीक है, अब क्रेट पायर की अगर बात करें, इस केस में भी ये हम ये हॉरिजॉन्टल वाली जो रखी हुई है दैट इज ट्रांसम टॉप पे, इसकी मेरे को इमेज प्रॉपरली क्लियर एक्चुअल वाली नहीं मिली, ठीक है, तो ये आप इसी से ही समझिए, ये ट्रांसम इस तरह से आप जो ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड ये जो वर्टिकल दैट इज लेग्स, ये भी अगेन अगर आपका ये इस तरह से सरफेस है, ब्रिज की फ्लोरिंग है, इस तरह के पायर हम लोग नीचे प्रोवाइड करते हैं, एक यहाँ पे इस तरह से ये कट वाटर बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये आपका साइड में इधर प्रोवाइड किया था, ये ट्राइंगल शेप में इधर रहता है, इसके साथ कनेक्ट किया होता है ट्रांसम और लेग्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब मतलब ये मतलब हॉरिजॉन्टल वाली जो है दैट इज ट्रांसम, और ये जो वर्टिकली इसमें ऐसे टाई करी हुई है दैट इज लेग्स, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें और एक साइड पे क्या है, ट्राइंगल है आपका, और ये बच्चे कहाँ पे यूज किया जाता है, बेसिकली इस ट्राइंगल का क्या काम होता है उसको समझना, ठीक है। अब आपका ये अगर ई साइड पे इधर इधर क्या है, बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का जो फ्लोरिंग क्या चलती हुई आ रही है, इसकी क्या आ रही है, फ्लोरिंग चलती हुई आ रही है यहाँ पे जो वुडन ब्रिज की, यहाँ पे आपकी वाटर स्ट्रीम है, वाटर है, तो इसको कट बोलते हैं, तो बेसिकली एक हाई वेलोसिटी वाला पानी आ रहा है, फ्लो करता है, तो ये करता है, ये उस वाटर की वेलोसिटी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, एकदम हाई से पानी आ रहा है, उसको एक क्या बोलोगे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका जो नाम दिया गया दैट इज कट वाटर, ठीक है, क्लियर है यहां तक? मतलब कि जो हाई वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है उसको मतलब कि ये उसको मतलब ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में पानी इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है, ठीक है, ये इसके साथ पानी इसके साथ टकरा, यहाँ पे इसके साथ बजेगा, टकराएगा, और ये उसको क्या करेगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना, तो एकदम हाई वेलोसिटी वाला वाटर इसके साथ अगर लगेगा तो ये उसको एकदम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, पानी की जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। और कोई फंक्शन नहीं है अब अगर आपको इस, नहीं कट वाटर मतलब आप अगर मैं दिखाऊं प्रॉपर इसकी इमेज मेरे को मिली नहीं थी, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू, मेरे को उसमें वो ग्रॉन्स वगैरह दिख रहे थे ज्यादा, आई सर्च्ड बट मुझे मिला नहीं था, अगर मिला तो आई डेफिनेटली शेयर,